हाँ सर, तो आप अपने बारे में बताइए कि आप क्वालिफिकेशन क्या है और आप कितने टाइम से सोशल वर्क में हैं, क्या क्या किया आपने इसमें? क्वालिफिकेशन चाहिए कि नाम चाहिए आपको पहले? जी नाम से चालू करते हैं। मुझे, मेरा वैसे नाम तो एसएल पटेल है, पर ज़्यादातर लोग मुझे सचिन पटेल के नाम से जानते हैं। और मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद सोशोलॉजी से एमए किया, एजुकेशन के साथ एमए किया और लॉ किया। और ये सब करने के बाद मैंने जो सेवा का क्षेत्र चुना, वो मेरा अपना एक छोटा सा स्कूल है और साथ में समाज में जो बाल श्रमिक हैं उनके बारे में, कैसे उनके उनका उत्थान हो, कैसे बाल श्रमिकों को रोका जा सके। खास तौर से बाल श्रमिकों में देखा जाए तो किशोर होते हैं, जो 11 साल से 15 16 साल के बच्चे होते हैं। समाज उनको ना तो बच्चा मानता और ना बड़ा मानता, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा दोहन समाज में लोग अपने अपने रोजगार में, दुकानों में, ठेलों में, बसों में, क्लीनर के रूप में, इस तरीके से लोग करते हैं। तो खास तौर से ये हर एक इंसान की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस विषय में सोचें कैसे समाज की इस कुरीति को दूर किया जाए। कुछ घरों की जरूरत भी हो सकती है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काम करें और अपने घर के परिवार के खर्चों में हाथ बटाएं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत सारी जगहों में देखा जाए तो पाया ये जाता है कि लोग, बाप तो दारू पीता लेकिन बेटा कमा के लाता है। ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए हम और हमारे कुछ मित्र ऐसे लोग हैं जो भोपाल में आसपास, और इवन मैं तो पर्सनली पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेवल पे जाता रहता हूँ इस तरीके के प्रोग्राम में। कई और सामाजिक संगठन हैं जिनके साथ जुड़ के किशोरों के लिए, खास तौर से किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम, जिसमें उनको हम ये शिक्षा देते हैं कि उनके लिए एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। पैसा भी है, पैसा चाहिए, पैसे के लिए वो कैसे काम कर सकते हैं वो हम उनको, उनके पढ़ाई के साथ साथ कैसे पैसा कमा सकते हैं ये बताते हैं। कई ऐसे किशोर दल हैं हमारे जिनको हमने ये बताने का प्रयास किया कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कैसे पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे इसी मोहल्ले में हैं जिनका हम नाम गिना दें आपको, जो हमारे क्लास में आते थे, किशोर दल में आते थे, और उनको हमने बताया कि वो सुबह आधे घंटे अगर वो एक्सरसाइज के रूप में साइकिलिंग करें, इवन न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करें सुबह सुबह 10-50 घरों में, तो उससे उनको महीने में 400-500 रुपये मिल जाएगा, जो उनके पॉकेट खर्चे के लिए भी होगा, उनकी साइकिलिंग के माध्यम से उनकी एक्सरसाइज भी होगी। पेपर बांटने का काम बिल्कुल टाइम में रहता है, पंचुअलिटी में करना पड़ता है, तो उनको एक पंचुअलिटी की हैबिट सी भी बनेगी कि समय क्या होता है ये इम्पोर्टेंट सीखेंगे, और समाज की सेवा भी होगी, वो डोर टू डोर लोगों के पास जाएंगे तो एक लोगों से रिश्ते भी बनेंगे, पहचान भी बनेगी, घर वालों के खर्चों में उनकी मदद भी होगी। 500-600 रुपये जो भी पाएगा लड़का वो अपनी पढ़ाई में खर्च करेगा। इस तरीके से वो जो बाल श्रमिक का जो काम है, जो सुबह से शाम तक होटल में या किसी दुकान में ऐसे काम से वो बच सकेगा, और इसके साथ साथ वो अपनी पढ़ाई करेगा, पैसे की बचत कर सकेगा, सेविंग के बारे में सीखेगा, और आगे चल के एक अच्छा नागरिक बनेगा, उससे देश भी समृद्ध होगा, हमारा समाज तो समृद्ध होगा ही। आपको क्या लगता है सरकार ने क्या क्या करना चाहिए, सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या गलती की होगी कि अभी भी इतना चाइल्ड लेबर? देखिए, गवर्नमेंट ने क्या गलती होगी, क्या प्रयास किया इस विषय में जाना, ये अच्छा विषय नहीं होगा हमारे लिए। गवर्नमेंट हर स्तर पे अपने स्तर पे प्रयास करती है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे तो गवर्नमेंट, इतने बड़े भारत की आबादी, मतलब कहीं भी आंकड़ा होता तो दुनिया का छठवां व्यक्ति भारतीय होता है, तो इतने पॉपुलेशन में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट का काम है नीतियाँ बनाना, उसको नीचे स्तर तक ले जाना, लेकिन भारत की व्यवस्थाओं के बारे में हम आप सब जानते हैं, वो नीतियाँ कितने प्रमाणीकरण के साथ स्तर तक नीचे पहुँचती हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए जरूरी होता है कि लोग खुद आगे आए, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ ये नज़र रखें कि कैसे बच्चों का, किशोरों का उत्थान हो, कैसे वो बाल श्रमिक से बच सकें, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। सर्वे में आप पाएंगे सबसे ज़्यादा बच्चे 12 से 15 साल की स्कूल में एज में स्कूल छोड़ देते हैं, ये सब बाल श्रमिक का ही एक सबसे बड़ा कारण है। और सामाजिक संगठन बहुत सारे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के पैसे के साथ काम करते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता है। तो जरूरत ये है कि लोग इसको दिल से स्वीकार करें कि इसकी जरूरत है और इसको पूरे तन्मयता के साथ लगे, इसलिए नहीं कि पैसा कमाने के उद्देश्य से। बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारा पैसा लेते हैं, कागजों में दुनिया भर काम करते हैं,
लेकिन फील्ड में कुछ नहीं दिखता है। हम इन सब चीजों में नहीं विश्वास करते। हमारा विश्वास है कि जो भी काम हो इसको एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी समझते हुए सेवा की भावना से बच्चों और किशोरों के साथ काम करें और उनके अंदर जो उनकी छिपी हुई ऊर्जा है उसको उजागर करें ताकि वो आने वाले समय में भारत के नवनिर्माण में अपना हाथ बढ़ाएं। और जो चाइल्ड अब्यूज होता है, मतलब लोग समझते नहीं है और बच्चों को परेशान करते हैं या मारते पीटते हैं, उस पे क्या राय हो सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ऐसे बहुत कम केस होते हैं, लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी के चंगुल में फंस गए हैं और उनके साथ अब अन्याय हो रहा है। अब काम भी करवाते हैं, पैसा भी नहीं देते, मारपीट भी करते हैं, उल्टे सीधे कृत्य भी करवाते हैं। काम अलग अलग तरीके से होता है। एक काम यह है कि डॉक्टर क्लिनिक में अगर कोई बच्चा सुबह शाम एक घंटे के लिए जाता है, वो उसको हम लेबर नहीं समझते, चाइल्ड लेबर नहीं है वो, क्योंकि वो उसका शौक है। एक घंटे जाता है, सेवा करता है, मरीजों की सेवा डॉक्टर के माध्यम से वो करता है, उसके बदले उसको 200-400 रुपए मिल जाते हैं, उसका भी खर्चा चलता है, पॉकेट खर्च भी हो जाता है, घर का भी खर्चे मदद करता है, वो लेबर नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं एक ऐसे लड़का किसी होटल में अगर फंस गया जो 11 साल 12 साल का है, उसके साथ क्या होगा, कपड़े भी धोता है, जूठन भी खाता है और गालियां भी खाता है, पैसे भी उसको मनमाने ढंग से दिए जाते हैं। तो ये जब तक एक एक व्यक्ति नहीं जागरूक होगा ना, तो कोई भी संगठन पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। इसमें हम सबकी जागरूकता होना बहुत जरूरी है और हम जो काम करते हैं वो किशोर दलों के माध्यम से उसमें यही सब बातें हम चर्चा करते हैं, कैसे किशोरों का उत्थान हो, उनके अंदर जो शक्तियां हैं वो कैसे उजागर हो, क्योंकि हम ये मानते हैं कि प्रत्येक बालक दुनिया भर की गुणों से भरा हुआ है। उसको हम ये नहीं मानते हैं कि ये खाली डिब्बा है और हम लोग उसको भरते हैं। उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे गुण छिपे होते हैं जिनको हम उजागर करते हैं, और उस अगर वो अपने गुणों को पहचान लेगा, उसमें काम करेगा, तो ऑटोमेटिक वो फिर श्रमिक के रूप में काम नहीं करेगा। और आप कुछ बोलना चाहें समाज को, कोई संदेश देना चाहें समाज को? अभी जितना भी बात अभी हमने आपसे किया सब समाज के रिलेटेड ही थी, और इसमें हमें लगता है कि अकेले मुझे नहीं, हम सबको जंग में लड़ना होगा, तब जा कर के भारत में जो सामाजिक दुर्दशाएं हैं उसमें से एक बाल श्रमिक है, इसको पूरी तरीके से रोकना तो मुश्किल है, लेकिन इसमें बहुत कुछ विजय पाई जा सकती है। ठीक है।